नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। दिल्ली से पटना पहुंचा मंत्री विनोद सिंह का पार्थिव शरीर। बिहार सरकार के पिछड़ा अति पिछड़ा मंत्री विनोद सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। वहीं उनके जाने के बाद अब उनके पार्थिव शरीर को बीते दिन राजधानी पटना पहुंचा दिया गया है। वहीं उनके अंतिम दर्शन के लिए कई नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। मिली जानकारी के अनुसार मंत्री विनोद कुमार के पार्थिव शरीर को भाजपा कार्यालय लाया गया था, जहां बड़ी संख्या में मौजूदा कार्यकर्ताओं ने विनोद सिंह को अमर रहे का नारा भी लगाया था। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ज्ञात हो दिवंगत विनोद सिंह का अंतिम संस्कार 14 अक्टूबर को कटिहार के मनिहारी घाट पर किया जाएगा। आज पूरे दिन उनके पार्थिव शरीर को पटना में ही रखा जाएगा। भाजपा के 9 बागी नेताओं को पार्टी ने किया बाहर। भाजपा ने बिहार इकाई के अपने 9 बागी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार निकाले गए 9 बागी नेताओं के खिलाफ सख्ती भी दिखाई जाएगी। साथ ही इन सभी पर एनडीए प्रत्याशी के विरुद्ध चुनावी मैदान में उतरने के मामले में सख्ती दिखाई जा रही है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस बात की पुष्टि की है। साथ ही सभी 9 विधायकों के नाम को साझा भी किया है। वहीं बीते दिन शाम को भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख ने इन बागियों के खिलाफ सख्ती दिखाए जाने की जानकारी दी है। आपको बता दें, जिन 9 विधायकों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है उसमें रविन्द्र यादव, राजेंद्र सिंह, उषा विद्यार्थी, श्वेता सिंह, इंदु कश्यप, अनिल कुमार, मृणाल शेखर और जमुई के अजय प्रताप का नाम शामिल है। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के कंपार्टमेंट का रिजल्ट किया गया जारी। सीबीएसई ने बीते दिन 10वीं के कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद कुल मिलाकर लगभग 56.55% छात्रों ने परीक्षा में सफलता हासिल की है। कुल 146,604 छात्र परीक्षा में अपीयर हुए थे, जिनमें से 82,903 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पूरे देश में 1248 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस बार केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद बोर्ड ने मार्क्स वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं। मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए 10वीं के परीक्षार्थी 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद प्रत्येक विषय पर ₹500 शुल्क देना होगा। पहले चरण में बैलेट से वोट करने वालों की संख्या मिली 52,000। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख अब बस कुछ ही दिन दूर है। वहीं पहले चरण के मतदान में 52,000 से अधिक मतदाता पोस्टल बैलेट से मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। ये वो मतदाता हैं जो 80 साल से अधिक के हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बात की जानकारी दे दी है और बताया है कि राज्य में पहले चरण के मतदान का आयोजन 28 अक्टूबर को करवाया जाना है। पहले चरण के मतदान के लिए बूथ लेवल अफसरों द्वारा लगभग 4,00,000 मतदाताओं ने संपर्क किया था, जिनमें 52,000 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट देने की इच्छा जताई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना को ध्यान में रखते हुए 80 वर्षीय से अधिक आयु के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मताधिकार के प्रयोग का अधिकार दिया गया है, ताकि कोरोना की चपेट के बिना आए और साथ ही बिना घबराए वो आसानी से अपने मत का इस्तेमाल कर सके। मोकामा विधायक अनंत सिंह की पत्नी ने अपना नाम लिया वापस। पटना में पहले चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए कुल मिलाकर 4 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसमें मोकामा विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का नाम भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप पहले चरण के चुनाव के लिए पटना जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मिलाकर 79 प्रत्याशी मैदान में है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मैदान में उतरे सभी लोगों को नाम वापस लेने की समय सीमा सोमवार तक निर्धारित की गई थी। इसी दौरान नीलम देवी ने अपने नाम को वापस ले लिया है। इसी तरह पालीगंज से 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन पर्चा वापस लिया है, जिसमें लवलेश कुमार, प्रमोद कुमार और शैलेन्द्र कुमार वात्सायन का नाम शामिल है। बिहार भाजपा ने काबा के जवाब में बताया बिहार में ईवा। बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी गाने से तंज करने की राजनीति शुरू हो गई है। इसी क्रम में विपक्ष के काबा सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया है, जिसके तहत भाजपा ने भोजपुरी में ही बिहार में ईबा को जारी किया है। एनडीए सरकार की तरफ से किए गए कामों को भोजपुरी में वीडियो तैयार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एनडीए के राज में बदलल बिहार बा। आपको बता दें, जारी किए गए इस वीडियो के माध्यम से पार्टी ने बताया है कि एनडीए सरकार ने बिहार में क्या क्या किया है। इसके लिए 2.5 दर्जन वीडियो बनाए गए हैं। मंगलवार को इस वीडियो को सोशल साइट फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप पर भी एक साथ लॉन्च किया गया है। आपको बता दें, बीते दिनों विभिन्न चौक चौराहे पर एक पोस्टर एक साथ लॉन्च किया गया था, जिसमें लिखा गया था बिहार में काबा। जारी किए गए इस पोस्टर में सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी, जिसमें सरकार की नाकामियों को गिनवाया गया था। कोडरमा राजगीर रेल लाइन जल्द बनकर हो जाएगा तैयार। कोडरमा तिलैया राजगीर रेल लाइन का निर्माण जल्द ही करवाया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने अपनी सभी अधिकारियों को सर्वे का काम शुरू करने का आदेश दे दिया है। रेलवे अधिकारियों की माने तो कोडरमा तिलैया राजगीर रेलवे लाइन
लाइन बन जाने के बाद कई इलाके बौद्ध सर्किट से जुड़ जाएंगे। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि कोडरमा राजगीर रेलखंड के बीच 5 बड़ी सुरंगें और 5 ब्रिज का निर्माण होगा। 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग और 5 बड़े ब्रिज बनेंगे। हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि 5 सुरंगों की लंबाई 1.5 मीटर से ज्यादा है। इसी तरह करीब 5 बड़े ब्रिजों का निर्माण भी यहीं पर करवाया जाएगा। अगले 2 साल में रेल लाइन का कार्य पूरा होने की उम्मीद जताई गई है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे अशोक कुमार की। बिहार के भागलपुर में जन्मे अशोक कुमार का जन्म आज ही के दिन हुआ था। अशोक कुमार हिंदी फिल्मों में एक अभिनेता थे। भारत सरकार ने उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। वो महाराष्ट्र राज्य से थे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दादा मुनि के नाम से भी मशहूर कुमार का जन्म एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्नातक की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की थी। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया, साथ ही कई फिल्मों का निर्देशन भी किया था। 1984 में दूरदर्शन के इतिहास के पहले सोप ओपेरा हम लोगों में वो सीरियल के सूत्रधार की भूमिका में दिखाई दिए थे। वहीं दूरदर्शन के लिए ही दादा मुनि ने भीम भवानी, बहादुर शाह, जफर, उजाले की ओर जैसे सीरियल में भी अपने अभिनय का जौहर दिखाया था। अशोक कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इसके अलावा 1966 में प्रदर्शित फिल्म अफसाना के लिए वो सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजे गए थे। वहीं 1988 में हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। बिहार चुनाव में 3 चरणों के वोटिंग तक एग्जिट पोल पर लगी रोक। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार एग्जिट पोल के प्रसारण पर चुनाव आयोग ने 28 अक्टूबर सुबह 7 बजे से लेकर 7 नवंबर शाम 6:30 तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से 3 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में निर्देश जारी करते हुए बताया गया था कि प्रत्येक चरण में संबंधित चुनाव क्षेत्रों में मतदान समाप्ति को 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह के ओपिनियन पोल या फिर चुनाव से जुड़े सर्वेक्षण के परिणाम को दिखाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, जिसका पालन करने की नसीहत हर मीडिया हाउस को दी गई है। नीतीश कुमार ने बातों ही बातों में विपक्ष पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने चुनावी मुहिम की शुरुआत कर दी है। सोमवार से ही उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है, जहां उन्होंने बीते दिन अपने वर्चुअल संवाद के दौरान 11 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के साथ वर्चुअल संवाद किया था। वहीं इस वर्चुअल संवाद के दूसरे दिन यानी कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से वर्चुअल तौर पर संबोधित किया था। पहले चरण के 5 जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित किया, जिसमें मोकामा, मसौढ़ी, पालीगंज, कुर्था, संदेश, अगियाव, जगदीशपुर, डुमराव और राजापुर का नाम शामिल है। वहीं उन्होंने अपने वर्चुअल संबोधन के दौरान एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि विपक्षी दल अल्पसंख्यक का वोट लेते हैं मगर उन लोगों के हक में कोई काम नहीं करते हैं। भाई लोग वोट लेते रहते हैं लेकिन काम करने के समय पीछे हट जाते हैं। हम लोगों को जब मौका मिला है तो हमने अल्पसंख्यकों के उत्थान का काम किया है। कुछ लोगों को सेवा तो नहीं बस मेवा से मतलब होता है। लोगों को जो अच्छा लगे वो करे, वो स्वतंत्र है, हम सिर्फ काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों पर हंसी आने की कही बात। अपने भाई के साथ हसनपुर सीट से नामांकन भरने से पहले तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की बातों पर मुझे हंसी आती है। उन्होंने कहा कि 15 साल में उन्होंने क्या काम किया, इस मुद्दे पर बात करने के बजाय वो झूठा आरोप लगाने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में नौजवान नौकरी के लिए लाठी खाता है, नीतीश जी को हंसी आती है। वहीं मुजफ्फरपुर का मामला हो या फिर गोपालगंज से जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे की बात हो या फिर भाजपा नेता और भारत सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे का मामला हो, नीतीश कुमार हर मोर्चे पर फेल साबित हुए हैं। कन्हैया कुमार ने ईवीएम की बजाय सीएम के हैक होने की कही बात। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और वाम दल के नेता कन्हैया कुमार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में वो मैदान में उतरते ही केंद्र सरकार और एनडीए पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। बीते दिन आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि अब ईवीएम की जगह सीएम को बिहार में हैक किया जा रहा है, इसलिए जनता को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरी जानकारी के अनुसार बेगूसराय की 2 विधानसभा सीटों के लिए सीपीआई के उम्मीदवार सूर्यकांत पासवान एवं राम रतन सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया था। नामांकन दाखिल करने के बाद कन्हैया कुमार एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने साफ साफ कहा कि पिछले चुनाव में जनता ने भाजपा के विरोध में वोट किया था और नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही भाजपा ने सीएम को ही हैक कर दिया और पूरी तरह बाजी पलट दी। रानू मंडल के जीवन में फिर से छाया अंधेरा। रातोंरात स्टेशन से उठकर बॉलीवुड में पहुंच बनाने वाली रानू मंडल की जीवन में एक बार फिर से अंधेरा छाने लगा है। ताजा जानकारी के अनुसार कोरोना के कारण रानू मंडल की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई है। खबरों की माने तो रानू अपने नए घर को छोड़कर पुराने घर में वापस लौट चुकी है। मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार रानू मंडल के पास इस समय में कोई काम नहीं है। बॉलीवुड में कोरोना के कारण काम नहीं मिलने पर उनकी हालत पहले जैसी हो रही है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर रानू मंडल का एक वीडियो तेजी से फैल गया था, जिसके बाद मशहूर संगीतकार हिमेश रेशमिया ने उन्हें गाने का ऑफर दिया था। हालांकि रानू मंडल को उनके मेकअप के लिए कई बार लोगों ने खूब ट्रोल भी किया था,
रानू का रैंप वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फैला था। वहीं दूसरी तरफ उनके कई लोगों के साथ किए गए बर्ताव के कारण उन्हें खूब खरी खोटी भी सुननी पड़ी थी। सुनील नरेन और आर अश्विन को पीछे छोड़ राशिद खान ने अपने नाम दर्ज किया एक अनोखा रिकॉर्ड। आईपीएल के 13वें संस्करण के 26वें मैच के दौरान राजस्थान रॉयल्स की टीम ने राहुल तेवतिया और रियान पराग की पारी की मदद से सनराइजर हैदराबाद की टीम को हरा दिया था। हैदराबाद के स्टार गेंदबाज ने हालांकि इस मैच में लाजवाब गेंदबाजी की थी, जहां पर उन्होंने सामने वाली टीम को 25 रन देकर 2 विकेट अपने नाम दर्ज किए थे। राशिद ने इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को आउट करने के साथ ही एक खास मामले में सुनील नरेन और अश्विन को पीछे छोड़ दिया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, रॉयल्स की पारी के 10वें ओवर की पहली गेंद पर जैसे ही रॉबिन उथप्पा को LBW की अपील पर आउट किया गया। इसके साथ ही आईपीएल में LBW होने वाले उथप्पा 18वें बल्लेबाज बने। इसके साथ ही यह रिकॉर्ड KKR के गेंदबाज सुनील नरेन के नाम पर दर्ज हो गया। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 71 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 55,342 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 71,75,881 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 706 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,09,856 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, उससे मंत्रालय यह अंदाजा लगा रहा है कि शायद भारत में कोरोना का प्रभाव अपने ढाल की तरफ बढ़ने लगा है। ताजा मामलों में सोमवार की तुलना में 13,000 की गिरावट देखने को मिली। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, मौजूदा हालात को देखते हुए क्या चेन्नई सुपर किंग्स टॉप 4 में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।